Welcome to the channel. थर्टी फर्स्ट बिहार जुडिशियल सर्विसेज का जो प्रिलिम्स एग्जाम है वो कल हो चुका है एंड आई होप क्या आप सबका एग्जाम अच्छा हुआ होगा यहाँ पे पेपर का जो पैटर्न है वो काफी चेंज लगा प्रीवियस ईयर के जो भी कंपैरिजन किया जाए तो इस बार के पेपर के जो स्टैंडर्ड थे वो चेंज थे स्पेशली जीके में और उसमें भी जो साइंस वाला पार्ट था यहाँ पे मैं आज आपके साथ में जो लॉ के क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे वो मेरे पास है मेरे पास सीरीज ए है जिसे स्टूडेंट ने मुझे दिया है तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपके साथ आंसर डिस्कस करने वाली हूँ तो आप अपने अपने सीरीज में देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन के साथ ये है तो आपको पता लगाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी नेक्स्ट वीडियो में हम जीके के पेपर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उनको कंसीडर करते हुए अटेंडेंस से लेके पेपर का स्टैंडर्ड सब कुछ को देखते हुए हम कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो भी यहाँ पे जल्द ही डिस्कस करेंगे तो आई आज लॉ का पेपर जो है सबसे पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे टोटल डेढ़ सौ थी वन मार्क्स का वन क्वेश्चन था और यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो एविडेंस एक्ट का था द मोड ऑफ प्रूफ ऑफ ए कस्टम इज कंटेन्ड इन ये जो है आपका डायरेक्ट बेयर एक्ट से ही पूछा गया है जो भी लोग बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ के गए थे वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं इसका आंसर जो है वो ए है थर्टी टू का फोर इसके बाद आ जाइए सेकेंड पे जो कि है केस ऑफ पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पर बहुत ही लीडिंग लैंडमार्क जजमेंट है यहाँ पे मैंने अपने वीडियोस में भी इसको डिस्कस किया हुआ है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है डाइंग डिक्लेरेशन थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे डॉक्टर ऑफ स्टॉपल इज अ तो ये रूल ऑफ एविडेंस है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो सी है इसके बाद आ जाएंगे हम फोर्थ क्वेश्चन पे तो प्रिजम्शन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाई अ मैरिड वुमेन ये कहाँ पे दिया गया है तो ये आपका वन थर्टीन ए में दिया गया है ये भी आपका डायरेक्ट एक्ट से आया था जाहिरा शेख जहिरा द प्राइम विटनेस इन ये स्टार विटनेस का नाम जो वर्ड है वो भी इनके लिए यहाँ पे यूज किया गया था बहुत ही फेमस केस है ये जो बेस्ट बेकरी दो का केस है इसमें ये प्राइम विटनेस थी ये तो फाइव जो है आपका उसका करेक्ट आंसर ए है इसके बाद आ जाएंगे स्वीपिंग चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 2002 थाउजेंड टू इज विथ द ऑब्जेक्ट टू तो जो यहाँ पे डिले होता था प्रोसीडिंग्स में उसको कम करने के लिए कि डिस्पोजल ऑफ सूट जो है वो जल्दी हो यही मेन ऑब्जेक्ट था इन अमेंडमेंट एक्ट का तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है उसके बाद देखेंगे रूल ऑफ इज़ ये कौन सा रूल है ये थोड़ा बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन था तो ये देखिए रूल ऑफ ये जो रूल है ये इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है सेवन का इसके बाद हम आ जाएंगे ए पे तो अ कमीशन टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन कैन बी इश्यूड अंडर आप सबको पता है कि जो कमीशन का प्रोसीजर प्रोविजन है वो ऑर्डर 26 में दिया गया है सिविल प्रोसीजर कोड के और उसमें भी जो लोकल इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है वो आपका रूल नाइन में दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे कि रिव्यू का ग्राउंड कहां पे प्रोवाइड किया गया है तो ये आपका देखिए फोर्टी सेवन रूल वन आपका करेक्ट आंसर जो है वो यहां पे ए हो जाएगा फिर टेंथ को देखेंगे ये अ अकेवियल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ये नाइन्टी डेज करेक्ट आंसर इज सी नेक्स्ट देखेंगे हम इलेवेंथ क्वेश्चन को द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस ये कहां पे प्रोवाइड किया गया है तो सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी में फर्स्ट जो है वो शेड्यूल जो है वो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को वहां पे बताया गया है लेकिन 320 में जो है वो कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल है कन्फेशन जो है सीआरपीसी में कौन रिकॉर्ड कर सकता है तो मेट्रोपॉलिटन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो करेक्ट आंसर इज ए इसके बाद आ जाते हैं अंडर सेक्शन 167 ऑफ सी फॉर ऑफेंसेस अदर देन दोज पनिशेबल विद डेथ इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रीजमेंट फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन टेन ईयर्स ये अदर देन वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है कि इनके अलावा यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कैन बी ऑथोराइज फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ जो डिटेंशन है वो कितने दिन का हो सकता है सिक्सटी डेज आपका ये वाला जो है करेक्ट आंसर इज सी अब फोर्टीन को देखेंगे तो द वेर द हसबेंड हैज ऑप्टेन्ड अ डिग्री ऑफ डिवोर्स अगेंस्ट द वाइफ ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजर्शन अंडर सेक्शन 125 ये सीआरपीसी पे है तो क्या ये बार कर देता है कि वाइफ जो है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है क्योंकि डिवोर्स जो है वो डिजर्शन के ग्राउंड पे हुआ है तो ऐसा कोई बार जो है वो किसी एक्ट में यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है तो मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए होना चाहिए कि ये बार नहीं है वाइफ के लिए टू क्लेम मेंटेनेंस अगेंस्ट द हस्बैंड अगर किसी को लगता है कि इसमें आंसर कुछ और भी हो सकता है बहुत लोगों को आंसर यहाँ पे डी भी लग रहा है तो uh, वो रीजन के साथ यहाँ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो अदर स्टूडेंट को भी यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा अपने मार्क्स को स्कोर करने में मेरे ख्याल से इसका आंसर ए होना चाहिए इसके बाद देखेंगे द सेक्शन डीलिंग विद द मेडिकल एग्जामिनेशन और विक्टिम ऑफ रेप जिसको 2005 के अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था वो कौन सा सेक्शन है वो 164 ए है victim के मेडिकल एग्जामिनेशन रेप की victim. इसके बाद आ फोर 17 पे तो एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइट एन आर्बिट्रल अवार्ड मस्ट बी मेड बाय पार्टी आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड विद इन थ्री मंथस इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है सेक्शन थर्टी आर्बिट्रेशन एक्ट का इसके बाद एटींथ को देखिए द प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्सिलेटर इज लेड डाउन अंडर सेक्शन 64 ये सब जो है आपके डायरेक्ट बेरट से क्वेश्चन आए थे जिन लोगों ने बेरट को अच्छे से पढ़ा था वो इन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं इसके बाद देखिए है कि प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट का फोर्स में आया था तो ये फर्स्ट जुलाई एटीन को आया था इसका करेक्ट आंसर ए है कौन ऑथराइज है कि वो स्मॉल कॉजेस के कोर्ट को अबोलिश कर सकता है तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है बी इज द करेक्ट आंसर 21 को देखेंगे तो हु प्रपोज द प्रेम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो उन्होंने प्रेजेंट किया था इसके बाद देखिए वेन वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड 9 दिसंबर 1946 फोर्टी सिक्स द करेक्ट आंसर इज बी उसके बाद आ जाइए 23 पे द टास्क ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ओवर ऑन द ट्वेंटी नवंबर 1949 को ओवर हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम उसके बाद हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट वॉज बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो बिल ऑफ राइट है अमेरिका का वहां से इसको बोरो किया गया है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो बी होगा 25 को देखेंगे कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट स्टेटी है पॉलिसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है एम क्या है टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट करेक्ट आंसर इज ए इसके बाद देखेंगे कि कौन सी कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है तो बलवंत राय मेहता कमेटी इज द करेक्ट आंसर इज बी इसके बाद आ जाइए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है ये फोर्टी सेकेंड है बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये इसके बाद हु एज अ इंडिया ट्वेल्थ प्रेसिडेंट तो देखिए प्रतिभा पाटिल हैं जो ट्वेल्थ प्रेसिडेंट थी

द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल है तो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा थर्टी फर्स्ट को देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट जो है वो फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट और सूट से डील करता है तो वो है पार्ट ट्वेल्व इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है इसके बाद देखिए कि कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है तो वो है आपका टू फोर थ्री जेड एम तो करेक्ट आंसर इज डी उसके बाद है आर्टिकल 279 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या डिफाइन करता है तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ये जो है आपका डिफाइन किया गया है 279 आर्टिकल में इसके बाद है कि किस केस में जस्टिस हिदायतुल्ला ने कहा था द प्रियम्बल इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटर्नल एंड ऑल अल्टरनेबल तो ये जो है आपका गोलकनाथ का केस है जहां पे जस्टिस हिदायतुल्ला ने ये स्टेटमेंट दिया था केशवानंदा भारती केस को बहुत लोगों को लग रहा था लेकिन जस्टिस हिदायतुल्ला जो है वो केसवानंद भारती केस की जजेस बेंच में शामिल नहीं थे इसके बाद देखिए थर्टी फाइव थर्टी फाइव है हैज सेड दैट द प्रियम्बल इज एन पिटोमे ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये जस्टिस मुदोलकर जो है सज्जन सिंह का केस वहां पे इनका दिया गया स्टेटमेंट है ये तो इसका करेक्ट आंसर सी है थर्टी फाइव का थर्टी सिक्स को देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इंश्यूड अंडर आर्टिकल फोर्टीन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूट फ्रॉम ये भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये जो फोर्टींथ अमेंडमेंट हुआ था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में वहीं से ये चीज मेन निकल के आती है तो इसका करेक्ट आंसर भी बी है इसके बाद देखेंगे कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट द इक्वालिटी क्लॉज कैन नॉट बी अप्लाइड टू लेजिमाइज एन इन एक्शन तो इसका करेक्ट आंसर ए है यूपी स्टेट सुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस संतराज सिंह अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी एट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये किस आर्टिकल में दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तो ये सी है आपका फिफ्टी वन ये सब जो डायरेक्ट बेर एक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे आ, ये बहुत आसान थे इसलिए मैं बार बार इंडेक्स पढ़ने पर फोकस करती हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा सही हो जाते हैं उससे इसके बाद देखेंगे आर्टिकल सेवेंटी सेवन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है इसके बाद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो एनजेएसी से जो नाइन्टी नाइन्थ अमेन्डमेंट रिलेटेड था उसको यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था इसके बाद देखिए है कि वट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हु आर टू सिट फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग एनी केस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये इसका करेक्ट आंसर बी है फाइव जजेस की बेंच होनी चाहिए फोर्टी टू देखेंगे द कम्पट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये अपनी रिपोर्ट जो है रिलेटिंग टू द अकाउंट ये किसको सबमिट करेंगे तो ये प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा देखिए कि हु एमंगन एमंग दॉलोइंगज एक्सक्लूसिव पावर टू एक्सपेंड ऑल इंडिया सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज में जो एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है मेनली वो राज्यसभा को दिया गया है तो यहां correct answer जो है, वो 43 का सी हो जाएगा फोर्टी फोर को देखेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनियन हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट जो आपका करेक्ट आंसर है वो बी है यहां पे थोड़ी पिक्चर क्लियर नहीं है तो आप अपने पेपर में देखते रहेगा मैं इसीलिए पूरा क्वेश्चन यहां पर पढ़ रही हूं इसके बाद 45 को देखेंगे तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेव द जजमेंट ऑफ द प्रीवी काउंसिल इसका करेक्ट आंसर डी है आर्टिकल 395। इसके बाद हु चेयरमैन ऑफ फर्स्ट कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस वेंकट चिलैया आपका करेक्ट आंसर यहां पे 46 का ए हो जाएगा Which one of the following rate is also known as judicial remedy? तो देखिए यहाँ पे वैसे प्रोहिबिशन नहीं था ऑप्शन में तो सर्टियोरी जो है वो जुडिशियल रेमेडी आपका 47 का D is the correct answer. Every proclamation issued under Article 352 shall be laid before each house of the Parliament, laid before the Lok Sabha only, decided by the Prime Minister and conveyed to the President. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका A है. Laid before each house of the Parliament. फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ टोटल पांच लोग होते हैं यहाँ पे एक चेयरमैन होता है और फोर अदर मेंबर होते हैं तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा

इसके बाद आ जाइए अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड द ट्राइब्यूनल जजेस डिस्ट्रिक्ट जज में कौन कौन इंक्लूड होगा ये आपका 236 ए में दिया गया है और वहां पे ट्राइब्यूनल जज को इंक्लूड नहीं किया गया है तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी है इसके बाद 53 को देखेंगे मेनली ऑन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज इन द स्टेट तो गवर्नर के एडवाइस पे यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो सकता है अगर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में फेल हो रही है तो गवर्नमेंट इस चीज की रिपोर्ट कर सकता है इसके बाद 54 को देखेंगे इन विच आर्टिकल द डॉक्ट्रन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूडेड ये आपका आर्टिकल ट्वेंटी है फिफ्टी का करेक्ट आंसर इज सी नेक्स्ट को देखेंगे द doctrine ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर was सिस्टमैटिकली formulated by ये मैंने अपनी वीडियो की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाले में आपको ये क्वेश्चन करवाया था इसका करेक्ट आंसर जो है वो मॉन्टेस्क्यू है करेक्ट आंसर इज बी फिफ्टी सिक्स को देखेंगे रूल ऑफ लॉ मीन्स सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट तो देखिए यहाँ पे जो आपके हैं दो-दो के ग्रुप बना करके दिया गया है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ ये दो जो है रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है तो दूसरा और तीसरा जो है वो यहाँ पे सही है तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे ये मैच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे दिया गया है तो देखिए यहाँ पे आपको बस एक अगर सही मिल जाता है तो भी आप ऐसे क्वेश्चन को पूरा सही कर सकते हैं तो देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो रूल ऑफ लॉ से ही यहाँ पे रिलेटेड है तो बी का फर्स्ट और बी का फर्स्ट सिर्फ एक ही दिया गया है उसके बाद आप बाकी के भी मिला सकते हैं ब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन लैक ऑफ पावर है सी का फोर ए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन और सेपरेशन ऑफ पावर चेक एंड बैलेंस के लिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ए है इसके बाद आ जाइए विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पूछा गया है यहाँ पे तो करेक्ट आंसर सी है कि कैन हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इफ नॉट एथोराइज बाय द एक्ट और एन स्टैच्यू बट हैव रीजनेबल एंड राशनल जस्टिफिकेशन तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है 59 को देखेंगे द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रीन ऑफ विकेर लाइबिलिटी इन क्राइम सीम्स टू हैव बीन बिन बाय अ नेसेसिटी रादर देन डिजायरेबिलिटी द जस्टिफिकेशन इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो यहां पे देखिए जो अवेलेबल आंसर्स हैं उसमें से तो मुझे ए जो है वो करेक्ट लग रहा है पब्लिक पॉलिसी अगर आप में से किसी और को कुछ लग रहा है तो आप रीजन के साथ यहां पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे ओपिनियन में करेक्ट आंसर ए होना चाहिए इसके बाद देखिए एक स्टेटमेंट पूछा गया है डायरेक्ट ये मैंने आपके साथ वीडियोस में डिस्कस किया था और जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था उनको भी ये क्वेश्चन वहां पे मिला होगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ कंसर्निंग द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इंक्लूडिंग स्पेशली द लॉ गवर्निंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ये डेफिनेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का किसने दिया है तो ये के सी डेविस जो है करेक्ट आंसर सी है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये वाला डेफिनेशन इनका दिया हुआ है इसके बाद देखेंगे द ऑथर ऑफ दया भाग वॉज जिमुन वहाना जो है ये इसका करेक्ट आंसर है बी आपका सिक्सटी वन का फिर देखेंगे कि किस सेक्शन में हिंदू मैरिज में भी डिक्लेयर एज वाइड तो आपका सेक्शन इलेवन है तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सिक्सटीन को देखते हैं यहाँ पे पूछा गया था कि डज नॉट कन्फर स्टेटस ऑफ लेजिटिमेसी टू चिल्ड्रेन बॉर्न तो सिक्सटीन में वाइडेबल और वाइड इन दोनों मैरिज के जो चिल्ड्रेन uh, होते हैं उनकी लिजिटिमेसी के बारे में बताया गया है अब वैलिड मैरिज और विदाउट मैरिज में लोग कंफ्यूज थे तो देखिए जो वॉयडेबल मैरिज होता है ये वैलिड मैरिज ही होता है बट सब्सिक्वेंटली कुछ आ जाता है जो आपका ट्वेल्थ में ग्राउंड दिए गए हैं तो वहां पे ये वाइडेबल हो जाता है तो वैलिड मैरिज मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो विदाउट मैरिज ही होना चाहिए डी होना चाहिए अगर आप में से किसी और को कुछ लगता है तो आप रीजन के साथ यहाँ पे बता सकते हैं अंडर द हिंदू एट ऑप्शन एंड मेंटेनेंस एट अ

After the Hindu Succession Amendment Act 2005, the Mitakshara Hindu Coparcenary does not include whom as its member? The so, son include रहता है। Married daughter के लिए ही ये amendment जो है, uh, sorry daughter के लिए जो है ये amendment यहाँ पे आया था और daughter में आपकी married daughter जो है वो include रहेंगी। Adopted son जो है, उसका भी status biological son की तरह ही होता है। तो so, यहाँ पे मुझे जो लगता है कि correct answer ये होना चाहिए कि daughter in law यहाँ पे include नहीं

67 को देखेंगे अ हिंदू फीमेल इज सर्वाइव बाई स्टेप सन मैरिज डॉटर एंड अ इलिजिटिमेट सन तो उसकी प्रॉपर्टी कहाँ पे डिवॉल्व होगी तो देखिए स्टेप सन इंक्लूड नहीं होता है सन के टर्म में तो स्टेप सन को तो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है इलिजिटिमेट सन जो है उसको राइट होता है मदर की प्रॉपर्टी में तो यहाँ पे हर डॉटर एंड हर इलिजिटिमेट सन करेक्ट आंसर डी होना चाहिए ऑन पार्टीशन ऑफ ए हिंदू को पार्सनरी प्रॉपर्टी द पर्सन नॉट इंटाइटल फॉर एस्ट शेयर इज जो हिंदू को पार्सनरी प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा उसमें कौन इंटाइटल नहीं है एडॉप्टेड सन होगा मैरिड डॉटर भी होगी विडो भी होगी को पार्सनर की इन सन को नहीं मिलेगा यहाँ पे कुछ तो करेक्ट आंसर इज सी स्त्री धन में क्या इंक्लूड नहीं होता है स्त्री धन क्या होता है कि जो भी विमेन को मिलता है शादी से पहले या शादी के बाद उसमें कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं तो देखिए अगर उसको कोई प्रेजेंट दिया गया है वो बिल्कुल इंक्लूड होगा उसने कुछ खुद परचेज किया है या उसने कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट की है तो ये तीनों ही होता है द चिडी ऑफ फीमेल ये यहाँ पे स्त्री धन में इंक्लूड नहीं होता है तो करेक्ट आंसर इज ए द लीगल पोजिशन ऑफ हिंदू आइडल इज ऑफ ए इस क्वेश्चन में बिल्कुल श्योर नहीं हूं मैं ऐसे मैंने ढूंढने की कोशिश भी की है इस क्वेश्चन को पर मुझे इसका करेक्ट आंसर नहीं मिला है अगर आप में से कोई जानता है तो इसका आंसर आप यहाँ पे बता सकते हैं इसलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे लीव कर रही हूँ एमंग द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ द फोर मोस्ट इज कुरान इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सेवेंटी वन का सुन्नी लॉ क्या रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है वैलिड इरेगुलर और वॉइड ये तीन मैरिजेस होते हैं थ्री टाइप्स के सुन्नी मैरिज में मूता मैरिज जो है वो सिर्फ और सिर्फ शिया लॉ में ही रिकॉग्नाइज्ड है तो सुन्नी लॉ में नहीं है करेक्ट आंसर इज बी मुस्लिम मैरिज विदाउट डावर क्या हो जाएगा इरेगुलर हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सेवेंटी थ्री का उसके बाद 74 को देखेंगे अ गिफ्ट इन फेवर ऑफ एन अनबोर्न चाइल्ड क्या होता है वाइल्ड अब बिक्वेस्ट में बी मेड टू अ चाइल्ड इन वॉर्म प्रोवाइडेड इट इज बॉर्न फ्रॉम द डेट ऑफ द विल विद इन ये सिक्स मंथ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवेंटी का ए इसके बाद देखेंगे अ वक्फ कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ अली मुर्तजा हो सकता है क्रिएट बिल्कुल आप इसके लिए बुक देख सकते हैं अकील अहमद की बुक में भी ये पूरी लिस्ट दी गई है कि वक्फ़ किसके लिए क्रिएट हो सकता है और किसके लिए नहीं मेंटेनेंस ऑफ ए खान का और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज इसके लिए हो सकता है लेकिन चर्च की कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं हो सकता है तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है The difference of ages between the acknowledger and the acknowledged child must be at least 12 and a half years. The correct answer is D. इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट सेवेंटी एट पे द कस्टडी ऑफ ए माइनर विद हर माइनर वाइफ है सॉरी यहाँ पे ये यह क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है माइनर वाइफ की कस्टडी पूछा गया है तो उसके हस्बैंड के साथ तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा एन इनलेजिटिमेट सिया मोहमडम डाइज इन स्टेट हिज प्रॉपर्टी विल बी इनहेरिटेड बाय इनलेजिटिमेट सिया मोहमडम था तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा मदर हो जाएगा करेक्ट आंसर सेवेंटी का ए A असिया Muslim already having four wives has contracted a fifth marriage. This fifth marriage is देखिए जो सुन्नी लॉ है वहां पर थ्री टाइप्स ऑफ मैरिज होते हैं आपका वैलिड वाइड और इरेगुलर लेकिन सिया में सिर्फ टू टाइप्स के ही होते हैं वैलिड और वाइड तो जो चीज सुन्नी में इरेगुलर होती है वो सिया में जो है वो वाइड हो जाती है तो यहाँ पे फिफ्थ मैरिज जो है वो वाइड हो जाएगी जबकि अगर सुन्नी यहाँ पूछा होता तो वो इरेगुलर हो जाती है इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है और ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड है तो ये, ये देख लीजिए फीडिंग द ग्रांट ऑफ स्टॉपल 43 ये तो हम लोगों ने काफी बार यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया था तो आपका ए का यहाँ पे फोर है और बी डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन 92 में है डॉक्ट्रीन ऑफ एक्यूमलेक्शन 17 में है और रूल अगेंस्ट परपेचुटी 14 में है तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे द प्रोविजन रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिट्यूटेड सिक्योरिटी ये कहां पे कंटेन किया गया है तो ये आपका सेक्शन 73 है तो करेक्ट आंसर इज सी नेक्स्ट 83 को देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन लीज एंड लाइसेंस तो यहां पे देखिए अ लीज कैन बी असाइंड बट अ लाइसेंस कैन नॉट बी असाइंड बोथ लेसी एंड लाइसेंस होल्डर कैन सू अ ट्रेसपासर इन हिज ओन नेम अलीज इज ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन लैंड वेयर एज अंस ड्रिएट एनी इंटरेस्ट इन लैंड अलीज कैन नॉट बी रिवोक्ट अंटिल द एंड ऑफ दर्म बट लाइसेंसन एक्सेप्शन कैन बी रिवोक्ट तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है पहला तीसरा और चौथा यहाँ पे ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है लेकिन ये वाला जो है की बोथ लेस इन लाइसेंस होल्डर कैन सुस्ट पासर इन हिज ओन नेम ये यहाँ पे गलत किया गया है तो आपका करेक्ट आंसर यहां पे डी हो जाएगा राइटिंग और रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है किस मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज बाय द डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स करेक्ट आंसर इज बी 85 पे आ जाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्शन टू द रूल अगेंस्ट परपीचुटी ट इज बिक्विटेड टू द नेक्स्ट सेवन जनरेशन ये सही है अवेयर अ प्रॉपर्टीज ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक ये भी सही है अ लीज विद अ कन्वीनियंट फॉर रिन्यूअल ये भी सही है इट डज नॉट अप्लाई टू वेस्टेड इंटरेस्ट ये यहां पे एक्सेप्शन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है तो करेक्ट आंसर आपका यहां पर सी हो जाएगा द लिटरली मीनिंग ऑफ लेस पेंडेंस इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था यहां पर प्रीवियस डिसीजन बाज द सब्सिक्वेंट फाइलिंग ऑफ सूट नहीं होता है अट अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो है आपका बी है इसके बाद देखिए कौन से सेक्शन में टीपीए के जो है वो प्रोवाइड की गई है कॉम्पिटेंसी टू ट्रांसफर ऑफ किसी इनमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो ये आपका सेक्शन सेवन में दिया गया है जहां पे कॉम्पिटेंसी बताई गई है क्शन ऑफ द टीपीए देर इज रेस्ट्रिक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी बियॉन्ड अ सर्टेन पीरियड तो ये सेवेंटीन में ही दिया गया है जहाँ पे एटीन ईयर्स मेंशन किया गया है आपका वो सेवेंटीन ही है द प्रिंसिपल ऑफ मार्सलिंग एंड कंट्रीब्यूशन इज अ प्रिंसिपल अंडर द लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट विच रिलेट्स टू द मैटर ऑफ सिक्योरिटी ये मॉर्गेज के वाले ही रूल में आता है आपका पूरा मार्सलिंग एंड कंट्रीब्यूशन तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है आपका वो सिक्योरिटी है इसके बाद देखिए गिफ्ट जहां पे दिया रहता है कि दोनों ही है जो आपके अभी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है वेर अ गिफ्ट इज मेड ऑफ ए प्रॉपर्टी विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन तो फ्यूचर और एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सेक्शन है आपका वो वन है तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा प्राइमरी सोर्स ऑफ इक्विटी क्या है प्राइमरी सोर्स ऑफ इक्विटी जो है वो जुडिशियल डिसीजन है मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यहां पे आंसर डी होना चाहिए अगर अगर किसी और को कुछ लगता है तो वो यहाँ पे बता सकते हैं द स्टेच्यूटरी रिकग्निशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज नॉट फाउंड इन तो देखिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में तो है ही और इंडियन सक्सेशन एक्ट में ये दो तो आ, सही है अगर अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ ऑफ गुड्स में आपको चूज करना हो तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो सी है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होना चाहिए 93 को देखेंगे इक्विटी हैज थ्री फोल्ड एक्सक्लूसिव कंकरेंट एंड ऑक्सिलियरी ये किसने कहा है तो मुझे इसका आंसर नहीं मिला है मेरे ख्याल से इसका आंसर मेटलैंड है अगर आप में से किसी को इसका आंसर कुछ और पता हो तो वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इंग्लिश रूल्स ऑफ इक्विटी हैव बीन सब्सटेंशियली इनकॉर्पोरेटेड बाय द इंडियन लेजिस्लेचर यस तो ये इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा ट्रस्ट इज एक्सटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन When the trust being revocable is expressly revoked, बिल्कुल सही है When its purpose is completely fulfilled, तब भी हो सकता है When its purpose become unlawful, तब भी हो सकता है तो correct answer is D. All of the above. Breach of trust in Indian Trust Act के किस section में define किया गया है तो section थ्री में इसको define किया गया है इसके बाद देखिए हुए मंग द फॉलोइंग कैन नॉट क्रिएट अ तो माइनर जो है वो ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर सकता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमुवेबल प्रॉपर्टी में वी मेड अंडर सेक्शन फाइव ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ए इज द करेक्ट आंसर ये सब क्वेश्चंस तो हमारे सारे टेस्ट सीरीज में भी थे और यहाँ वीडियोस में भी मैंने ये क्वेश्चन सारे आपके साथ में डिस्कस किए थे द जनरल प्रिंसिपल ऑन विस द परपिचुअल इंजेक्शन कुड बी ग्रांटेड इज कंटेन इन सेक्शन 38। करेक्ट आंसर इज सी द रिलीफ बाई वे ऑफ मैंडेटरी इंजंक्शन इज क्या होता है डिस्क्रिप्शनरी होता है हंड्रेड का आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर अब देखिए यहां से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन क्या हो जाएगा वाइड करेक्ट आंसर आपका बी है द एज ऑफ मेजोरिटी फॉर कॉन्ट्रैक्ट एटीन ईयर्स मैंने यहाँ पे क्विक रिविजन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बताया था आपको कि मेजोरिटी के लिए हम इंडियन मेजोरिटी एक्ट को जो है वो देखते हैं जहां पे एटीन ईयर्स एज दी गई है

यहां पे वैसे तो आ, कोई भी आ, जो डैमेज है वो एग्जैक्ट सही आंसर नहीं है लेकिन अगर हमें हम इस इसमें चूज करना है तो बेस्ट ऑप्शन हम नॉमिनल डैमेज यहाँ पे चूज कर सकते हैं मुझे जो लगता है वो यहाँ जहाँ पे जहां पे डैमेज असिस्ट नहीं किया जा सकता है नॉन ईस्ट फैक्टर मीन्स डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इग्नोरेंस तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे वन जीरो फाइव का ए है कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रस्ट्रेटेड बाई कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाई लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ दार्टी देर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर ये आपका सीधे डेफिनेशन क्लॉज जो सेक्शन टू है वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा की उसको हम वाइडेबल कॉन्सेप्ट बोलेंगे वन जीरो सेवन वन जीरो एट पे आते हैं कि कौन सा केस जो है वो प्रोमिसरी स्टॉपल से रिलेटेड है तो देखिए केदारनाथ वर्सेस गोरी मोहम्मद तो है प्रोमिसरी स्टॉपल से रिलेटेड मैं इस केस में श्योर नहीं हूं तो इसका करेक्ट आंसर ए भी हो सकता है और बोथ ए एंड बी भी हो सकता है इन केस अगर किसी को पता हो कि ये केस स्टॉप स्टॉपल से रिलेटेड है कि नहीं तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं इसके बाद आ जाएंगे 109 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होता है जो एक्सेप्ट कर रहा है तो तब जब प्रपोजर के नॉलेज में आ जाएगा ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बी होने वाला है इसके बाद वन वन टेन को देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैस्ड तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल है ये आपका डैमेजेस से रिलेटेड है सेवेंटी थ्री सेक्शन से रिलेटेड है तो मेरे ख्याल से ये यह यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए डी पब्लिक पॉलिसी जो यहाँ पे दी दिया गया है आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आपको कुछ और लगे तो आप बता सकते हैं मेरे ख्याल में इसका आंसर डी होना चाहिए अमेंडमेंट एक्ट जो 1997 का है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उससे कौन सा सेक्शन अमेंड किया गया था तो 28 किया गया था करेक्ट आंसर इज सी द चेंज ऑफ द नेचर ऑफ द ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट उसको हम क्या कहेंगे ऑल्टरेशन तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका अंडर सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या माइनर पर्सनली लाइबल होता है नहीं सिर्फ माइनर की प्रॉपर्टी लाइबल होती है तो आपका यहाँ पे जो सही आंसर है वो बी है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी कहां पे डिफाइन किया गया है सेक्शन 129 में डिफाइन किया गया है तो इसका भी सही आंसर बी हो जाएगा एन एग्रीमेंट ऑफ वेजर इज क्या होता है वो वाइड हो जाता है आपका यहाँ पे सही आंसर सी है नेक्स्ट प्रोपाउंडर ऑफ पी होल थ्यूरी ऑफ टॉट सामंड आपका करेक्ट आंसर बी है इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे कई बार डिस्कस किया था रेस इप्सा लिक्विटर किससे रिलेटेड है रूल ऑफ एविडेंस करेक्ट आंसर ए रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी किसने प्रोपाउंड किया था जस्टिस ब्लैकबर्न ने इसका करेक्ट आंसर ए है क्वी फेसिक पर एलियम फेसिक पर सेम मीन ये किससे रिलेटेड था इस uh, को हम लोगों ने काफी बार यहां पे डिस्कस किया और ये टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन था विकैरियस लाइबिलिटी जहां पे आप अपने एजेंट या अपने सर्वेंट uh, के लिए लाइबल होते हैं विकेरियस लाइबिलिटी इस सी मैग्जीन पे बेस्ड है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हु डिवाइडेड रॉन्ग एज प्राइवेट रॉन्ग एंड पब्लिक रॉन्ग ये ब्लैक स्टोन है करेक्ट आंसर डी है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डिफेंस इन चार्ट साइंटी नॉन फीट इंजूरिया ये वैलिड डिफेंस नहीं होता है करेक्ट आंसर सी इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे आपका विनम साइन इंजूरिया मीन्स डैमेज विदाउट इन्फ्रीजमेंट ऑफ लीगल राइट तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा वन ट्वेंटी थ्री को देखेगी द ड्यूटी अंडर द लॉ ऑफ टॉट इज टुअवर्ड द वर्ड एट लार्ज राइट इन रेम इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है द प्रिंसिपल ऑफ यू बी जस्ट ई बी रिमेडियम वॉज रिकॉगनाइज इन एस बी वर्सेज व्हाइट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए यह है द लाइबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट टॉट फीजर क्या होता है जो इंडिपेंडेंट देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट टॉस फीजर पूछा गया है तो ये सेवरली लाइबल होते हैं तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है 126 ट्वेंटी सिक्स द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इंप्लाइज स्ट्रिकर देन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एम सी मेहता का केस है स्ट्रिकर देन स्ट्रिक लाइबिलिटी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टू सक्सीड इन एन एक्शन फॉर द टॉट ऑफ नेग्लीजेंस व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव डैमेज सस्टेन ब्रीच ऑफ ड्यूटी ओन टू समन ब्रीच ऑफ ड्यूटी ओन टू द प्लेटिव ये ब्रीच ऑफ द ड्यूटी टू ओन टू द द्लेंटिव इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 128 को देखेंगे नो एक्शन लाइज फॉर डिफॉर्मेशन इफ डिफॉर्मेटरी मैटर इज रिटर्न इन अ टेलीग्राम ऑन ए नोटिस बोर्ड इन अ पोस्ट कार्ड इन अ लेटर बट नॉट पोस्टेड एंड कैप्ट इन ओन कस्टडी ये थर्ड पर्सन की नॉलेज में अभी तक नहीं आया है तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा

पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल तो ये देखिए यहाँ पे जो करेक्ट नहीं है वो बी है सेल क्रिएट जस्ट इन परसोनम और एग्रीमेंट टू सेल क्रिएट अ जस्ट इन रेम इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए जो एग्रीमेंट टू सेल है वो क्रिएट करता है जस्ट इन परसोनम और सेल जो है वो जस्ट इन रेम और यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है नॉट करेक्ट तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे बी हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री कैबियट एम्पेटर का क्या मतलब होता है लेट द बी अवेयर करेक्ट आंसर सी है इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट दिट वन इज इन करेक्ट वेन द सेल इज मेड बाई एन ऑप्शनर ऑफ गुड्स एंड द इशू इज टू पास अ गुड टाइटल टू द पायर द सेल इज मेड बाई हिम वेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स एज एन ओनर ऑफ द गुड्स तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अ सेलर डिलीवर टू दायर अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्या इनकरेक्ट है तो बायर जो है वो पूरा का पूरा जो है वो रिजेक्ट कर सकता है पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर सकता है या जो है वो, वो एक्सेप्ट कर सकता है जितना ऑर्डर किया गया था और बाकी जो है वो रिजेक्ट कर सकता है द बायर कैन रिटेन द होल गुड्स बट मेक पेमेंट ओनली फॉर द गुड्स ऑर्डर ये नहीं हो सकता तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है

इसके बाद हम वन को देखेंगे दो अ चेक रिजेंबल्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन मैनी रिस्पेक्ट बट इट इज ऑल्सो अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट इन अदर रिस्पेक्ट पॉइंट आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज इज इन करेक्ट यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और इसमें मुझे दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन है पहला कि चेक जो है इनटाइटल्ड नहीं होता है टू सम डेज ऑफ ग्रेस जबकि चेक पे भी डे ऑफ ग्रेस हो सकता है और यहां पे दिया गया है कि दिस इज नॉट सो इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से डिसऑनेड नहीं होगा तो ऐसा भी नहीं होता है तो मुझे ये दोनों ही ऑप्शंस जो है वो इनकरेक्ट लग रहे हैं अगर इसमें बीपीएससी कौन सा आंसर चूज करती है ये तो देखना होगा लेकिन ऑब्जेक्शन यहाँ पे जा सकता है 138 को देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट कम्पैटेबल विथ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स तो अगर आप जब होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो ये चीज जो है वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं है ही मस्ट हैव ऑप्टेन द इंस्ट्रूमेंट ऑन द डेट ऑफ इट्स मेच्योरिटी पॉजिटिवली इसके बाद 139 को देखेंगे पॉइंट आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग असाइनमेंट एंड निगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो मुझे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर लगा है वो बी लग रहा है अगर आप में से किसी और को लगता है कि कोई और आंसर सही होना चाहिए तो आप यहाँ पे उसको बता सकते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे ये काफी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं काफी टाइम जा सकता है यहाँ पे अगर मैं इन सारे आंसर्स को पढ़ती हूं तो आपके पास पेपर है आप उसको देख सकते हैं इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ऑप्शन बता दे रही हूँ पॉइंट आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस अ बैंकर इज नॉट जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग द पेमेंट ऑफ ए चेक तो यहां पे देखिए द कस्टमर हैज बिकम इनसॉल्वेंट येट द बैंक हैज नॉट रिसीव नोटिस ऑफ इट इसमें यहां पे रिफ्यूज नहीं कर सकता है बैंकर तो करेक्ट आंसर मेरी खास यहां पे डी होना चाहिए इंदूर मैनेजमेंट का जो है यहाँ पे एक्सेप्शन पूछा दिया गया है और बोला गया है इसमें से क्या एक्सेप्शन नहीं है इस डॉक्ट्रीन का तो दर्क सराउंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट आर सच सीज विच रिक्वायर इंक्वायरी ये कोई एक्सेप्शन नहीं है इेगुलरिटी फॉर्जरी और वे ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये जो है इसके एक्सेप्शन होते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट गिविंग ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी इसके लिए स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने दोनों के बीच के रिलेशनशिप को आपको बताया था और देखिए जो करेक्ट आंसर है वो ए तो वैसे भी नहीं हो सकता है कि सुपीरियर होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तो करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो यहाँ पे बी होना चाहिए कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर सबोर्डिनेट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ एनी इनकिस द आर्टिकल मस्ट गिव वे टू द मेमोरेंडम ये यहाँ पे सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर जो है वो बी हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे वेन अ कंपनी गेट्स इन्वॉल्व इन एन अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन देर आर सेवरल रेमेडीज एवेलेबल अगेंस्ट तो इसमें से क्या इन करेक्ट है जो रेमेडीज एवेलेबल नहीं है उसकी बात की जा रही है तो एनी डायरेक्टर कैन गेट एन इंजेंशन टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम प्रोसीडिंग विद इट उसके बाद है आपका डायरेक्टर विल बी पर्सनली लाइबल टू रिड्रेस द कंपनी द डायरेक्टर इन डिफॉल्ट विल बी पर्सनली लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर हिज लॉस ये मेरे ख्याल से रेमेडीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो सकता है द कंपनीज कंपनीउजेंड थर्टीन हैज प्रोवाइडेड लिमिट्स ऑन मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इसमें से क्या सही नहीं है पूछा गया है वन पर्सन कंपनी में सिंगल डायरेक्टर हो सकता है और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम टू डायरेक्टर हो सकते हैं ये मैंने आपको कंपनी लॉ की जो यहाँ पे एमसीक्यू सोल्व कराया थे। उसमें मैंने ये आपको मिनिमम डायरेक्टर और मैक्सिमम डायरेक्टर वाला यहाँ पे बताया था द पब्लिक कंपनी मस्ट है मिनिमम ऑफ थ्री डायरेक्टर ये भी सही है द कैप ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर प्लेज एट फिफ्टीन इन प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक की फिफ्टीन जो है वो मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकते हैं ये बिल्कुल सही है द नंबर ऑफ डायरेक्टर कैन बी इंक्रीज बियॉन्ड दिस बियमिट बाई स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी यहां तक बिल्कुल सही दिया गया है इस स्टेटमेंट इसके बाद विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ये लाइन यहाँ पे गलत हो गई है क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है नॉट रिक्वायर्ड लिखा गया है एक्ट में जब आप यहाँ पे सेक्शन वन फोर्टी नाइन कंपनी एक्ट का देखते हैं तो जो करेक्ट नहीं है वो यहाँ पे डी है तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा फिर आ जाइए इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इन अ कंपनी एन एप्लीकेशन में बी मेड टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल अंडर द कंपनीज एक्ट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है to uh, uh, of a company having share capital. तो इसमें देखिए जो सही नहीं है वो B है and single member holding not less than वन by फिफ्टीन ये नहीं है वन by टेन ही होता है तो आपका यहाँ पे जो सही आंसर है वो B हो जाएगा वन फोर्टी सिक्स Find out the correct answer from the following statement for partnership. In overall analysis, it appears that every agency is based on the mutual partnership. Uh, आपका फिर है ऑन कंपेयरिंग द फंक्शन एवरी पार्टनर हैपन टू बी ए स्लीपिंग पार्टनर ये भी सही नहीं है आपका देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंटर इंटू बाई ऑल द पर्सन फॉर्मिंग पार्टनरशिप आप जब डेफिनेशन पढ़ते हैं पार्टनरशिप की तो वहां लिखा गया है कि जो जितने भी पार्टनर है वो अग्रीड होने चाहिए वहां पे जो भी प्रॉफिट है उसको शेयर करने के लिए तो एग्रीमेंट होना चाहिए मुझे लगता है कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बी होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है इनकरेक्ट नहीं पूछा गया है तो सी मेरे ख्याल से आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए इसके बाद देखेंगे विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अब यहां पे नॉट करेक्ट पूछा गया है डॉर्मेंट पार्टनर के रिगार्डिंग तो डॉर्मेंट पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर द फर्म्स लाइबिलिटी टू आउटसाइडर इनकी जो लाइबिलिटी है वो जितना इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में उसके रिगार्डिंग ही रहती है इनकी लाइबिलिटी जो है बहुत लिमिटेड होती है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी करेक्ट आंसर बी होना चाहिए उसके बाद है आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर इसको भी हम लोगों ने काफी जगह टेस्ट सीरीज में इससे क्वेश्चन दिए हुए थे तो देखिए जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है एक्वायर नहीं कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द फॉर्म इसके बाद है विच वन ऑफ इज करेक्ट फॉर ए माइनर हु हैज बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप इसमें मुझे जो लगता है बेस्ट आंसर वो बी होना चाहिए कि माइनर जो है वो अकाउंट एक्सेस करने के लिए सू कर सकता है क्योंकि वो जो है वो पार्टनर्स के ऊपर प्रॉफिट के लिए जो है वो सू नहीं कर सकता है वो रिजोल्यूशन ऑफ के लिए फाइल नहीं कर सकता है यहाँ पे केस तो मुझे लगता है कि इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए आपका 149 का लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे अ पार्टनर वांट्स टू डिजॉल द पार्टनरशिप फॉर्म बिफोर द अग्रीड टाइम तो इसमें से क्या परफेक्ट ग्राउंड नहीं है डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म के लिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कि द पार्टनर स्विंग इज इन एडल्ट रिलेशनशिप विद द वाइफ ऑफ एनदर पार्टनर विच इज एप्रीहेंसिव टू अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फॉर्म ये कोई ग्राउंड नहीं है डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म के लिए तो ये हमारे टोटल वन फिफ्टी क्वेश्चन हो गए हैं लॉ में मैंने यहाँ पे जिस क्वेश्चन uh, में श्योर sure थी उसके आंसर आपको बताए जहां पे श्योर नहीं थी वो भी मैंने आपको बताए आप में से जिसको भी सही लगता है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कट ऑफ की जो वीडियो है वो हम जीके के पेपर को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करेंगे थैंक यू